नमस्कार दोस्तों, सुबह की बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर मतदान होने हैं। आमतौर पर दो पार्टियों के बीच ही यहां लड़ाई होती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री की है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 तक चल सकती है, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही। सूत्रों के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 29 दिसंबर तक चल सकती है। जानकारी के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र पुराने भवन में शुरू होगा। तारीखों के बारे में अंतिम फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करेगी। दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे एक विमान की शुक्रवार शाम वाराणसी में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। विस्तारा एयरलाइंस के विमान में एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। यात्री को वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट के एक और सांसद ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है। बताया जा रहा है कि दिग्गज नेता और सांसद गजानन कीर्तिकर ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आधिकारिक तौर पर शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला किया है। पंजाब में डेरा प्रेमी की हत्या के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख डेरों की सुरक्षा व संदिग्ध लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस समेत खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। डेरों में आने जाने वालों पर भी निगाह रखी जा रही है। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा है।